तो दोस्तों गाय बकरियों से पास लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह है सिंगल रोड, इसलिए मुझे लग जाता है बहुत ज्यादा डर, क्योंकि मुझे स्कूटर चलाना था बहुत ज्यादा कम, लेकिन मैं अपने डर पर काबू पाते हुए दोस्तों आगे बढ़ता जाता हूँ। गियर शिफ्टिंग में भी मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, पहला डालता था तो दूसरा लग जाता है, दूसरा डालता था तो न्यूट्रल हो जाता था, लेकिन मैं आगे चलता जाता हूँ और सामने आ जाती है बलेरो और मुझे लगता है डर, लेकिन मैं इसे पास लेते हुए दोस्तों आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। फिर से वही दिक्कत आ रही होती है मुझे दोस्तों की, पहला गियर डालता हूँ तो दूसरा डल जाता है, दूसरा डालता हूँ तो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जैसे तैसे करते हुए मैं आगे चलता जाता हूँ। सिंगल रोड में थे दोस्तों, सामने से आ गई थी महिंद्रा, जिसको देखकर मेरा हाथ बिल्कुल कांप जाता है, लेकिन मैं दोस्तों से क्रॉस कर जाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच जाते हैं भुवनेश्वर महादेव, यहाँ पे काफी गाड़ियां लगी हुई होती है। हम दोस्तों साइड में अपना स्कूटर लगाते हैं और फिर हम आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर, और यहाँ पे सामने हमारे मंदिर है दोस्तों, और हम मंदिर के गर्भगृह में एंटर होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं ये शिवलिंग, तो हम दोस्तों महादेव के दर्शन करते हैं और साथ में हमारे यहाँ कपिल शर्मा जी है जो टीकाकरण कर रहे होते हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों टीकाकरण नहीं तिलक कर रहे होते हैं, तो ये हमारे कार्तिक जी को तिलक करते हैं, उसके बाद मेरा तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद दोस्तों मैं कैमरा उठाता हूँ और फिर बाहर की ओर दोस्तों आपको व्यू दिखाने के लिए, प्रकृति का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाने के लिए आपको कैमरा बाहर की ओर दिखाता हूँ। तो सामने देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है हमारा भुवनेश्वर महादेव का टॉप, सामने छोटी छोटी पहाड़ियां बिल्कुल छोटी लग रही है, इसके सामने ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही होती है और कहा जाता है कि यहीं से महादेव ने महाभारत का युद्ध देखा था। और जो सामने आप ये शिला देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दिवाली के 11 दिन बाद देवठन होता है, उसी दिन दोस्तों यहाँ पर होता है एक प्रोग्राम जिसमें कि दूध दही घी डालकर इसके ऊपर देव रूप में जो व्यक्ति होता है वो नृत्य करता है। तो आपको शायद शिला सीधी दिख रही होगी, लेकिन ये सीधी है नहीं, ये बिल्कुल टेढ़ी है, और इस पर दोस्तों मतलब चलना तो दूर, मतलब इसे खड़ा भी इंसान नहीं रह सकता, लेकिन दोस्तों देवता की ऐसी शक्ति है जिसपे की नृत्य भी करते हैं। और हो सकता है हम अगले देवठन में हम आपको यहाँ का व्लॉग दिखाएं। तो सामने हमारे कार्तिक जी है, हम आपको नजारा दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर नजारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत ही हाइट पर है दोस्तों और बहुत ही मजा आ रहा होता है और बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा हो, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और जो भी जितने भी चेतक लवर हैं, स्कूटर लवर है दोस्तों, हमारे वीडियोस को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है सो दोस्तों सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों सुसाइड पॉइंट है, सुसाइड करने आते हैं लेकिन सुसाइड करते नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत मजे किए हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।